नमस्कार दोस्तों, हिम न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है अपने हिमाचली यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे आपको मिलेगी हिमाचल और देश विदेश से जुड़ी सभी मुख्य खबरें। वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हिमाचल से जुड़ी सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हिमाचल में 5 और कोरोना संक्रमितों की मौत, विधायक समेत 251 नए पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को 5 और कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। 70 वर्षीय बुजुर्ग के अलावा 45 और 60 वर्षीय दो महिलाओं ने दम तोड़ा है। दोनों मृतक महिलाएं उन्नू जिला के घनारी की निवासी थी, जबकि 70 वर्षीय बुजुर्ग कांगड़ा के दौलतपुर का रहने वाला था। बुजुर्ग को बीपी और शुगर की भी दिक्कत थी। वहीं IGMC शिमला में भी 2 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रदेश की बड़ी खबर के साथ। PM मोदी ने की जयराम से बात, हिमाचल दौरे के शेड्यूल पर ली जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से 3 अक्टूबर को होने वाली अटल टनल रोहतांग के लोकार्पण कार्यक्रम पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत की। कैबिनेट बैठक के बाद हुई इस बातचीत के दौरान PM ने CM से कार्यक्रम को छोटा करने को कहा, तो PM ने अधिक समय देने का अनुरोध किया है। इससे पहले मंत्रिमंडल की बैठक में भी मोदी के दौरे के शेड्यूल पर चर्चा की गई थी। माना जा रहा है कि मतलब सरकार ने PMO का शेड्यूल दिया था, लेकिन अब वह दोबारा तय हो सकता है। विधायक निधि को मंजूरी, ITI में 1 अक्टूबर से शुरू होंगी प्रशिक्षण गतिविधियां। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक में शनिवार को अहम फैसले लिए गए। CM जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना को मंजूरी प्रदान की गई। वर्ष 2020-21 के लिए 50 लाख रुपये का इसमें प्रावधान किया गया है। 25 लाख रुपये प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को 2020 में जारी होंगे। 25 लाख की दूसरी किस्त पंचायती राज संस्थानों के चुनावों के बाद जारी होगी। छात्रवृत्ति घोटाला, हितेश और अरविंद राजटा को हाईकोर्ट से मिली जमानत। हाईकोर्ट ने बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपी और ऊना के केस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के वाइस चेयरमैन हितेश गांधी व शिक्षा निदेशालय में तैनात तत्कालीन अधीक्षक अरविंद राजटा की जमानत याचिका स्वीकार कर उन्हें सशर्त जमानत दे दी है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने प्रार्थी हितेश गांधी को 1 करोड़ रुपये के निजी मुचलके व 25-25 लाख के 2 श्योरिटी बॉन्ड भरने के शर्त के साथ जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। हिमाचल से अभी बाहरी राज्यों के लिए बसें नहीं चलाई जाएंगी। परिवहन मंत्री विक्रम सिंह और उनके स्टाफ के आइसोलेट होने के कारण अब इस मामले पर अगली कैबिनेट बैठक में चर्चा होगी। परिवहन निगम की 200 से ज़्यादा रूट बाहरी राज्यों के लिए हैं। कोरोना काल में इन रूटों पर HRTC बसें नहीं भेजी जा रही हैं। परिवहन निगम की माने तो इन रूटों से परिवहन पथ निगम को हर महीने 2 से 2.5 करोड़ रुपये का फायदा होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रदेश की अगली बड़ी खबर के साथ। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या देखते ज्वालाजी मंदिर प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर में यात्रियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर मंदिर प्रशासन ने मंदिर खोले जाने की समय सारणी में कुछ बदलाव किया है। पहले मंदिर सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खोला जा रहा था। अब मंदिर प्रशासन ने निर्णय लिया कि 26 सितंबर से सुबह 7 से शाम 7 बजे तक मंदिर को खोला जाएगा। इस समय के दौरान श्रद्धालु माता के दर्शन कर सकते हैं। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, अब मार्केटिंग बोर्ड और MPC कर्मियों ने कृषि बिल के विरोध में दिया धरना। किसानों व आढ़तियों के बाद अब सरकारी मंडियों में काम करने वाले कर्मचारी भी संसद में पास कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन व सरलीकरण विधेयक 2020 के विरोध में उतर आए हैं। मंडी कर्मचारी कल्याण संघ की राष्ट्रीय समिति भारत के आह्वान पर राज्य के मार्केटिंग बोर्ड और सभी APMC मुख्यालय में शनिवार को कर्मचारियों ने सांकेतिक धरना दिया। JP नड्डा की टीम में हिमाचल प्रदेश को नहीं मिली जगह। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की तरफ से घोषित केंद्रीय पदाधिकारियों में हिमाचल प्रदेश से किसी भी नेता का शामिल नहीं किया गया। हालांकि पूर्व में प्रदेश से संगठन महामंत्री रहे महेंद्र पांडे को उत्तराखंड राज्य की तरफ से केंद्रीय कार्यालय सचिव बनाया गया है। इस कार्यकारिणी में पहले पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल को स्थान दिए जाने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन फिलहाल उन्हें कोई दायित्व नहीं सौंपा गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए हिम न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।